व्हाट्सअप गाइस, दिस इज गुरसहज। ये है होम वर्कआउट सीरीज, होम वर्कआउट प्रोग्राम की न्यूट्रिशन वीडियो, डाइट वीडियो। आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि होम वर्कआउट ट्रेनिंग के साथ न्यूट्रिशन का ऐड होना बहुत जरूरी है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब हम वेट गेन करते हैं तो हम कैलोरी सरप्लस में रहते हैं, और जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं। हमें अपने बॉडी के गोल को अचीव करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है न्यूट्रिशन। 70% हमारी बॉडी न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है, और 20% एक्सरसाइज एंड 10% रेस्ट। सो मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट कर इस न्यूट्रिशन को फॉलो कर सकते हैं। इस डाइट का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। स्टेप वन में हमें कैलकुलेट करना BMR को, हमें अपने BMR को कैलकुलेट करना है। क्योंकि BMR कैलकुलेट करने के लिए हमें BMR का एक ऐप आता है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप ब्राउजर में जाके उसे BMR कैलकुलेटर सर्च करके आप वहां से अपना। और BMR कैलकुलेट करने के लिए सबसे मेन चीज होती है वो हाइट, वेट और एज। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप BMR कैलकुलेट कर पाएंगे। दूसरी चीज, जब आपका स्टेप 2, जब आपका BMR कैलकुलेट हो जाएगा तो आपको अपने BMR से मल्टीप्लाई करना 1.5 से। 1.5 से आपको अपना BMR मल्टीप्लाई करना। और स्टेप 3 में आपको अपने BMR से, जो आपका BMR आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, आपको उससे माइनस करना 500 कैलोरीज को, सब्ट्रैक्ट करना 500 कैलोरीज। अब जैसे मेरा जो BMR है वो 2100 कैलोरीज, मैं उसको माइनस करूंगा 500 कैलोरीज तो मेरा आएगा 1600 कैलोरीज। तो पर डे मुझे 1600 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। मैंने आपको डाइट का PDF नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है आपको डाइट में समझने में, या फिर न्यूट्रिशन या वर्कआउट में किसी भी चीज में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और अगर आपने मेरी होम वर्कआउट सीरीज की वीडियो को नहीं देखा तो आप, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। जय हिंद।